मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया। फाइनली जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गया मेरे लिए। फाइनली मेरे साथ है इस वक्त अक्षरा जी, जो मुझे मिल गई लखनऊ में, क्योंकि आई है BIPL में परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्मेंस तो बाद में दिखाएंगे, पहले जो मेरी शिकायत है, मैडम इतना टाइम क्यों लगा दिया यूएनएन पे आने में? हाय फर्स्ट ऑफ ऑल, और यूएनएन देख रहे सभी दर्शकों को अक्षरा सिंह की तरफ से ढेर सारा प्यार प्रणाम। और ये शिकायत बिकॉज जब भी आप हमारा और आपका टाइम कभी मैच नहीं हो पाता था, इस वजह से हमारी दूरी थोड़ी सी बनी हुई थी। बट फाइनली देखो, कहते हैं ना, किसी को शिद्दत से चाहो तो वो मिल ही जाता है। तो पीछे पीछे मुंबई गई तो पता चला मैडम आउट ऑफ, आई थिंक गुजरात टाइम में शूट कर रही थी, सोनभद्र में करी, बनारस गई वहाँ से भी भाग गई। और आपके फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है, मेरे को आता है अक्षरा जी का इंटरव्यू कब आएगा, अक्षरा जी का इंटरव्यू कब आएगा। एंड जब मुझे पता चला कि अक्षरा जी लखनऊ में है, मैंने पहले स्टेटस लगाया फाइनली अक्षरा जी का इंटरव्यू आने वाला है। इतनी फैन फॉलोइंग है, क्या कहेंगी? थैंक यू वेरी मच। मैं फैन फॉलोइंग का क्या कहूँ, उन सबों का प्यार है और इतना पसंद करते हैं मुझे, इतना सराहते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद और शुक्रिया और ढेर सारा प्यार। होली आने वाला है तो इस बार अक्षरा जी की वॉइस में कुछ नया? होली में इस बार बहुत कुछ नया आने वाला है। अभी भी गाने आ रहे हैं, दो तीन गाने रिलीज हो चुके हैं मेरे, जैसे कि मार दी चमेटा से और जीजा जी के पैंट में बम डाला। बहुत सारा है, ये होली काफी गुदगुदाने वाला है। गुदगुदाने वाला है, बहुत सारे लाइव जो एक्चुअल अपनी भोजपुरी के होली गाने होते हैं वो हैं, और साथ ही एक स्पेशल यंगस्टर्स के लिए एक गाना आ रहा है जो कि 27 फरवरी को रिलीज होने वाला है मॉर्निंग में, और आई होप कि वो बहुत मजा आएगा देख के। खैर जर्नी पे आज हम लोग बात करेंगे, तो चाहती हूँ शुरुआत ही थोड़ा सा गुनगुनाने से हो जाए। अक्षरा जी साथ में तो थोड़ा गुनगुनाना तो बनता है। गुनगुनाने से क्या गुनगुना बताइए, जो आपको अच्छा लगे। मैंने तो आपके सारे गाने सुने हुए हैं, या फिर चाहे वो डार्लिंग टाइम पे आ जाना जब आपका पैर। न्यू ईयर हो हैप्पी तेरा, तू ही सबसे खास मेरा नजराना, हाँ नजराना, जैसे घड़ी बजाए 12 धीरे से तू घर के बाहर आ जाना, हाँ आ जाना, कि जान मेरे टाइम पे आ जाना, सोना तू टाइम पे आ जाना, जान मेरे टाइम पे आ जाना, बाबू तू टाइम पे आ जाना। क्या बात है, मुझे लगता है ये गाना मेरी तरफ से इन्हीं को डेडिकेटेड है। फाइनली मिल तो गई इतने टाइम बाद। खैर आते हैं जर्नी पे, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं कि फाइनली कैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई, क्योंकि आपकी माँ जो है इस वक्त टीवी की जानी मानी चेहरा है, और निमकी मुखिया जो आप लोगों का फेवरेट शो है उसमें इनकी माँ काफ़ी अच्छा किरदार निभा रही हैं, और उनकी बेटी तो सबके दिल पे छाई हुई हैं। और बहुत से मैसेज आते हैं कि मैडम आप, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती रहती हूँ, मैडम आप बॉलीवुड में क्यों ट्राई करती हैं, टीवी सीरियल्स में क्यों ट्राई करती हैं, आपने भोजपुरी ही क्यों चुना? मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली फिल्म, मेरे करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म से हुई। उसके अलावा मैंने सीरियल्स भी किया टाइम टू टाइम, जैसे ऐसा लगता है कि कुछ नया करना चाहिए, तो हालांकि नेचर मेरा थोड़ा सा मूडी टाइप का है, तो ऐसा अचानक से मन होता है कि नहीं भाई अब कुछ सीरियल करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, तो सीरियल भी कर लेती हूँ, पैरेलली भोजपुरी भी चलता रहता है। लेकिन भोजपुरी प्रेफरेंस इसलिए रहता है बिकॉज मेरे करियर की शुरुआत भोजपुरी से हुई, और बतौर आज अक्षरा सिंह अगर जानी जा रही हूँ तो भोजपुरी से जानी जा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि अपनी मातृभाषा को कह लें या अपने परिवेश को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी में है लेकिन वो चीज़ें जो आपने बोली वो नहीं करते हैं, उनके लिए बस एक स्टेप है कि मैं दिख जाऊं, लेकिन आप उसमें टाइम दे रही क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं। और आपने सही कहा, मैं थोड़ी मूडी हूं, और भैया ऐसा मूडी सबको होना चाहिए, जिसमें हाथ डाले उसी में चमक जाना। सिंगिंग में ट्राई किया और इस टाइम अक्षरा जी की वॉइस, ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, ट्रेंड कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, कॉल करें क्या? ओ माय गॉड,
समझ में नहीं आता उस गाने का मतलब समझने के लिए एंड तक मुझे देखना पड़ा, देन पता चला अच्छा वीडियो कॉल करता तो मन का कहां दीवार मार सीरियसली सबके दिमाग में हो रहा है ये एक्चुअली थोड़ा सा इरिटेटिंग मुद्दा है लेकिन बहुत कॉमेडी लगा बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग लगा एंड तक लोग बैठे रहे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रही है एक्चुअली. बट होता क्या है ना, मैं खुद भी थोड़ी सी बूंदी किस्म की लड़की हूँ अगर एक्चुअल देखा जाए तो मैंने सोचा कि अरे यार ऐसे ही रूम में बैठी थी और मैंने बोला कि मैं चिढ़ा रही थी एक्चुअली एक डायरेक्टर हैं आशीष यादव जी, तो मैं उनको बोल रही थी कि रुकिए बताती हूँ कॉल करें क्या, तो उनका जवाब अचानक से आया कि अरे कॉल ही ना किए हैं, तो फिर से मैंने बोला कि अरे कॉल करें क्या, तो ये सिलसिला बहुत लंबा चलने लगा और मुझे हंसी आने लगी, वो भी हंसने लगे और हंसते हंसते गिर भी गए. तो मैं बोला अरे यार इस पे टिकटॉक बनाते हैं, तो मैंने टिकटॉक बनाया और रातों रात वायरल भी हो गया, लोगों ने पसंद किया. मैं बोला अरे क्या खास बात है तो हमने सोचा कि गाना बनाया जाए, फिर आशीष वर्मा जी हैं म्यूजिक डायरेक्टर, हमने गाना बनाया और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. सच में काफी अच्छा रिस्पांस है और इतना तेजी से वो ट्रेंड कर रहा है इस टाइम. आई थिंक भोजपुरी में अगर कोई गाना है तो ये कॉल करें क्या, और इस गाने की वजह से सब यूट्यूब पे जाते थे कि आखिर ये लड़की कहना क्या चाह रही है और इसके पीछे की स्टोरी अब फाइनली पता चल गया कि कॉल करें क्या, तो थोड़ा सा गुनगुनाना तो बनता है. तो कॉल ही ना की हो बोलना पड़ेगा आपको. हेलो मेरे, हेलो हाय बाबू कैसे हो मेरे सोना, बिन बात किए तुमसे मुझे आ रहा है रोना, इतना तो करता प्यार और करे क्या, सुनो ना क्या कॉल करे क्या, कॉल ही तो की हो कॉल करे क्या, कॉल ना की हो ना ना ना, अरे कॉल करे क्या, कॉल ना की हो क्या बात है सच में. आई थिंक मुझे लगता है ना कि कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जो छाप छोड़ जाते हैं, वही छोड़ने पड़ेंगे. या इनफैक्ट मैं बता दूं, मैं भी कभी कभी जब टाइम पास नहीं होता ना किसी फ्रेंड को फोन करके, मैंने भी इंसिडेंट किया, कॉल करें क्या कॉल ही ना की हो भाई, बात करते अरे वीडियो कॉल की बात कर रहे थे यार, सच में इट्स टू गुड. खैर फिल्मों पे आते हैं, तो आपने तो अनलिमिटेड फिल्में की हैं और सबसे खूबसूरत अगर मुझे कुछ लगता है, मैं ना आपको इंस्टा पे बहुत बारीकी से फॉलो करती हूँ और एक बारीकी से स्पेशली ना मैं एक सवाल पूछने वाली थी, मैडम आप मस्कारा कौन सा यूज करती हैं? मस्कारा देखो मैं चेंज करती रहती हूँ ऐसा. आंखें बहुत खूबसूरत है. हाँ तो इसमें आंख का ही होगा प्रॉब्लम, मस्कारा का नहीं है. लैशेस नहीं लगे हैं, देखो आईलैशेस बड़े हैं यहाँ तक टच होते हैं, देखो आईब्रो तक. मैंने कई बार जूम करके देखा आखिर मैडम की आंखें बड़ी, समझ में आता आज लैशेस कैसे बड़े हो गए. काफी लोग लैशेस लगाते हैं लेकिन मैडम बॉन्ड ब्यूटी क्या बात है. सो अभी आपकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली जो फ्लोर पे? अभी फिल्म आने वाली है यूपी बिहार में, अभी फिल्म लगी है लैला मजनू जो कि बिहार में सच वंडरफुल रिस्पांस मिला और जी अभी यूपी में लगने वाली है, गुजरात में लगने वाली है और उम्मीद करती हूँ कि लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा. उसके बाद राजा राजकुमार है, उसके बाद मजनवा है, उसके बाद फिल्म डोली है. मजनवा और नहीं राजा राजकुमार उसके बाद आएगी और उसके बाद डोली आने वाली है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड फिल्म है और मुझे उम्मीद है कि वो फिल्म से बहुत कुछ चेंज होने वाला है. नो डाउट, आई थिंक मैंने जितनी आपकी फिल्में देखी हैं, जितना मैं फॉलो करती हूँ, सबके स्टोरीज कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक कुछ हटके होता है. जैसे अब लैला मजनू को ही देख लें, पीछे कुछ लेटेस्ट लैला मजनू जो बोलते हैं ना 21st century या समथिंग के हैं, तो वो एक अलग ही 2020 के, सॉरी 2020 के लैला मजनू है, तो काफ़ी अलग. मैंने ट्रेलर देखा, अभी मूवी नहीं देखी है, यूट्यूब पे अपलोड होगा तो मैं उसको भी जरूर देखूंगी क्योंकि मैं आपकी सबसे बहुत बड़ी फैन हूँ. थैंक यू वेरी मच, सो क्यूट ऑफ यू. खैर अब आते हैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पे, बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आए, आई थिंक जितना आपने फेस किया है उतना किसी ने नहीं किया है. आप अकेले अपने दम पर हो, इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? सी मोटिवेशन सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मेरे माता पिता हैं और मेरे ज़िंदगी में उनका एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और यही मेरे लिए प्लस है. और चूंकि हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं
चाहे वो उतार चढ़ाव हो या कुछ भी हो, और मैंने ये सीखा है मेरे उस समय में कि अगर आपका ज़िंदगी में कोई साथ देगा तो वो आपके माता पिता हैं, और जीवन में कोई आपका नहीं है। तो ये हाँ जी, तो मैं जितने भी यंगस्टर हैं उन लोगों को भी मैं यही मैसेज हमेशा देती हूँ, अपने इंस्टाग्राम हो चाहे कहीं पे भी, मैं ये उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि होता है ना कि कई कई घरों में कि बच्चे जब यंग होते हैं तो माँ बाप से बदतमीजी कर लेते हैं या कुछ लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपके अच्छे बुरे समय में, आपके हर एक चीज़ में कोई साथ देगा तो आपका माँ बाप, उसके अलावा आप किसी को कोई कुछ पड़ी नहीं है आपसे। आई थिंक मैं एग्री करती हूँ, इस टाइम कोई नहीं सगा है, माँ बाप है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आप एकदम अलग ही चलती हैं, इतने अवार्ड फंक्शन होते हैं, आप कहीं दिखती नहीं है, तो क्या ये मूडी होने की वजह से है या कोई और रीज़न है? सी मैं एक क्या बोलूँ, मैं मतलब क्यों नहीं जाती हूँ इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये मानती हूँ, शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से मेरा ये मानना है कि आपका अवार्ड वही है जो पब्लिक आपको रिवॉर्ड दे रही है, और मेरे लिए वही मायने रखता है जो मैं ऑडियंस के बीच में जाऊं और लोगों का, आपका लोगों का सराहना, उनका प्यार देना, इतना पसंद करना, वो मेरे लिए एक्चुअल अवार्ड है। सो इसलिए थोड़ा सा है मेंटली कुछ बना हुआ है कॉन्सेप्ट जो कि हटता नहीं है, और साथ ही चैनल के हैं उदय भगत जी, उनसे मैं अक्सर पूछती हूँ इस अवार्ड में मैडम आई क्या, मैडम का पता ही नहीं रहता। आई हाय हाँ मैडम का पता नहीं रहता है क्योंकि ज़्यादातर शोज में बिजी, काम में बिजी, तो दिन रात मेरा इसमें ही बीतता है, मैं ढंग से सो भी नहीं पाती हूँ कभी कभी, तो ऐसा भी हो जाता है। कोई नहीं बता सकता सिवाय इंस्टाग्राम के मैडम वहाँ अपडेट रहती है। हाँ हाँ, इंस्टाग्राम इज माई सेकेंड फैमिली कह सकते हैं, मैं ज़्यादातर टाइम उधर ही स्पेंड करती हूँ, वहाँ पे सारे अपडेट्स हमें मिल जाते हैं। मैडम ने एक नया शुरू किया है, वो है टिकटॉक पे शायरियों का, जो आज बहुत खूबसूरती से जिसको आप प्रेजेंट करती हैं और अच्छा भी लगता है, मैं तो डाउनलोड करके शेयर भी मारती हूँ, कुछ एक लाइन हो जाए जो आपका फेवरेट हो। मैं चूंकि जैसा आप कहते हो कि आपके दर्शक आपको बहुत प्यार करते हैं, तो मेरा एक कोट चलता है जो कि जब से मैं स्टेज शो कर रही हूँ तब से मुझे बहुत पसंद है, लोग जब से मुझे सराह रहे हैं तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के लिए कुछ कहना, वो ये है कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदलना जाना। क्या बात है भाई, कसम से अगर माइक नहीं होता ना तो छोड़ के ताली बजाने वाली थी। खैर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूएनएन के लिए कुछ बोल दीजिए। यूएनएन के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इस बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि ये जिनका चैनल है वो सबसे पहले पीआरओ मेरे रहे हैं, और क्या कह सकते हैं, एक वेल विशर और एक अच्छा दोस्त, जो भी कह लें वो कम है, और वो कहते हैं ना पीठ पीछे से कोई एक सपोर्ट है मेंटली जो देता है आपको, सो वो है। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि ये चैनल बहुत बड़ा हो जाए, और देरी हो गई आने में, लेकिन बेस्ट विशेस है। यूएनएन देख रहे सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जितने लोग अभी फॉलो कर रहे हैं करें, लेकिन उसके अलावा भी जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, यूएनएन को पसंद करते हैं या अपनी भोजपुरी से प्यार करते हैं, वो लोग ज़रूर यूएनएन को फॉलो करें और अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फाइनली हमें अक्षरा जी से आज बात हो गई है, और ये बहुत सच में खूबसूरत हैं, तो फिर जल्द ही इंटरव्यू आपके पास होगा, और भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और इनका होली का गाना जल्द ही आपके बीच होगा। देखती रहिए यूएनएन मीडिया, क्योंकि इसमें कुछ खास है।